हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का मैथ्स का कंप्लीट डिस्कशन, और ये आपका एग्जाम डेट है 1/12/2022 और इसका ये शिफ्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संख्या 49^15 -1 का भाजक है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर जैसे a का पावर ऑड माइनस b का पावर ऑड इस तरह के फॉर्मेट में है तो वो नंबर हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा। अब इस जगह पर देख रहे हैं 49^15 है और माइनस 1 का पावर कुछ नहीं, मतलब 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पावर सेम होना जरूरी है। तो इस कंडीशन में देखिए पावर ऑड है तो यहां ये डिविजुअल होगा 49 - 1 से, और 49 - 1 यानी कि 48, ये नंबर 48 से पूरा पूरे डिविजुअल होगा। लेकिन जब ऑप्शन में देखेंगे तो एक भी आपका ऑप्शन 48 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ढूंढना है 48 का कौन सा यहां पर गुणज है, फैक्टर है। तो आपको एक ही चीज दिखेगा, देखिए यहां पर 8 जो है 48 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 8 ये पूरा नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता है। तो कोई भी दो नंबर का एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम पूछा जाएगा क्या हो सकता है, इसके लिए आपको देखना कि कौन सा ऑप्शन 12 का मल्टीपल है, क्योंकि वो दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ के हमेशा मल्टीपल के बराबर होता है। यहां पर सिंपल देखना है कि ये जो नंबर है 90 ये 12 का मल्टीपल नहीं, बाकी में देखिए सारा 12 का मल्टीपल है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी दो नंबर का एचसीएफ दिया रहेगा एलसीएम पूछा जाएगा तो हमेशा वो नंबर जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। तो 12 का मल्टीपल आपका 90 नहीं है, इसलिए ये नंबर बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सॉरी 3 की ओर। 3 में लिखा हुआ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 15% वृद्धि की जाती है, इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, 8 + 5 दोनों इंक्रीमेंट हुआ है +8 × 5 बाय कर लेंगे आप 100, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 + 8 = 40 यानी 0.4। तो 13.4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 13.4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेहमान व्यापारी क्रेमुल पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, लिखा हुआ उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए ये दो तरीका से अपना माल बेच रहा है, पहली बात तो 12.5% लॉस बेचा, 12.5% का वैल्यू 1/8 यानी कि 8 का सामान वो 7 में बेचना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ धोखेबाजी कहां किया वजन में, वो 36 ग्राम के जगह पर दे कितना रहा है ओनली 28 ग्राम, मतलब उसका जेब से 28 ग्राम का पैसा गया लेकिन पे कितना किया ग्राहक, उसको 36 ग्राम के बराबर पैसा पे किया। तो यहां से दोनों में सक्सेसिव लगाएंगे तो ये देखिए 7 से कट जाएगा 4 बार में और 4 से कट जाएगा 9 बार में, सॉल्व कर लेंगे इधर ये 8 आएगा और इधर आएगा 9, तो 9 का सामान 8 बेच रहा है कितना प्रॉफिट हो गया 1 का प्रॉफिट कितना में से हुआ 8 में से इंटू कर देंगे 100, तो 12.5% का वो प्रॉफिट कमाएगा और 12.5% आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 में लिखा हुआ है रिया 30% के छूट या 25% और 5% के दो कार्मिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है। रिया के पास दो डिस्काउंट ऑफर किया गया है, एक तो 30% का है या फिर एक आपका 25% और 5% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, और डिसाइड नहीं कर पा रही कौन सा लेगी। अब लिखा हुआ है दोनों को ₹3840 के खरीदारी पर दिया जा रहा था, ये दोनों डिस्काउंट जो है 3840 के खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो दोनों छूटों का अंतर क्या होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक डिस्काउंट तो 30 है
और एक डिस्काउंट आप यहां पर सिंगल डिस्काउंट के फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि 5 माइनस 25 इंटू 5 2200। यहां से आपको क्या पता लग जाएगा, डिस्काउंट का डिफरेंस। ये सारी चीज परसेंटेज में होगा, हम लिखे नहीं है। अब देखिएगा 25 और 5 ये 30 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका देगा 1.25%, सारा 6% में होगा। जब सॉल्व करेंगे माइनस अंदर ले आएंगे तो प्लस 30 और माइनस 30 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा 1.25% का डिफरेंस, और यही डिफरेंस का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सिंपल बात है, प्राइस कितना था 3840, उसका डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल देंगे 1.25%, तो डिफरेंस निकल जाएगा। परसेंट के बारे 00 और ये पॉइंट हटेगा, इसके लिए 00, एक 00 गया, ये कट जाएगा 8 बार में, और 8 से ये कट जाएगा 48 बार में। तो ये जो डिफरेंस बनेगा वो 48 रुपया का डिफरेंस बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली यहां से डिफरेंस निकाल के उतना परसेंट निकाल देना है एमपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में लिखा हुआ है कि 2500 रुपया की साधारण ब्याज, 2500 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दी गई दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं। 2500 रुपया को सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है 8 वर्ष के लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 8 साल के बाद ये कितना परिपक्व हो जाता है, तो 8 वर्ष के बाद ये अमाउंट हो गया 3725 रुपया 8 वर्ष बाद। तो पूछा गया बताए रेट कितना होगा, तो सिंपली पहले हम देखेंगे 8 वर्ष का इंटरेस्ट कितना मिला, तो दोनों माइनस कर देंगे तो जाएगा यहां पर 1225 रुपया इंटरेस्ट। आपको पूछा क्या था रेट, तो रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। अब इसको सॉल्व करना है, 00 कट जाएगा ये, 25 से 4 बार में कटेगा और 25 से कट जाएगा 49/8, तो 8 से 48.1/8 मतलब 1.25%। तो इसका मतलब 6.125% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर को हम लोग बोलते हैं फ्री का नंबर, एकदम फ्री का। यहां पर इसका एमपी निकालना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। एमपी निकालने के लिए क्या करना है, 169 × 144 को रूट ले लेना है मल्टीप्लाई। ये तो 13 निकल के आएगा, इससे 12 आएगा, आंसर हो जाएगा 156। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाज का औसत 47 रन है, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। इसका मतलब हाईएस्ट, जो उसका हाईएस्ट रन था और लोवेस्ट रन, उसका डिफरेंस दिया हुआ 157। यदि इन दो पारियों को हटा दी जाए तो शेष पारियों का औसत 42 हो जाता है, तो बताइए कि उसका हाईएस्ट पारी कितना था। देखिए इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, पी ए इंटू एन माइनस सी एच ए भी इंटू एफ। इससे आपको हाईएस्ट प्लस लोएस्ट रन पता लग जाएगा कितना था। एक तो आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करके, दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, और एक हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट निकालना है तो पीए मतलब प्रीवियस एवरेज, कितना औसत था 47 था, कितना पारी को हटाया, दो पारी को, तो ये हो गया न्यू 2। एवरेज में कितना बदलाव आया, तो पहले 47 था अब 42 हो गया, कितना कम गया 5। कमेगा तो माइनस लिखेंगे, बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे। इंटू एफ, एफ मतलब कितना टोटल अब पारी बचा, तो 27 में 2 निकाल दिया, बचा कितना 25। ये हो जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का वैल्यू, 94 और 125 ऐड कर लेंगे 219 हो जाएगा। ये तो 219 हो गया, और इधर हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना दिया था 157। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू निकल जाएगा, ऐड करिएगा तो 2h इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, और 6 और 7 हो जाएगा ये 3।
एच इक्वल टू हो जाएगा 376 डिवाइड टू यानी कि 188 उसका जो है हाईएस्ट पारी था, ये ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में लिखा हुआ है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी जो है 15 दिन में काम पूरा कर देगा और क्यू जो है 10 दिन में पूरा कर देगा। एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू छोड़ के चला, क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ? देखिए सिंपली पी और क्यू एक साथ काम शुरू किया है, 2 दिन तक किया, इसके बाद जो है क्यू छोड़ के चला गया, बचा कौन? पी। तो पी और क्यू एक दिन में कितना काम करता है? 5। 2 दिन में कितना करेगा? 10। बचा कितना? तो अभी भी 20 काम रह गया है, ये 20 काम पी करेगा तो 20/2 यानी कि 10 दिन में कर देगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया टोटल कितना दिन लगा, तो पहले कितना दिन काम हुआ था? 2 और अभी हुआ 10, तो टोटल डे हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यह है 10 नंबर लिखा है 150 मीटर के दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया। अब देखिए कुछ फिक्स टाइम टी मान लीजिए, टी टाइम में यदि अनिल ने 150 मीटर चला होगा तो बकुल जो है इससे 150 मीटर कम चला होगा क्योंकि ये 150 मीटर से आगे है। तो 150 मीटर कम चला मतलब कितना चला होगा? 1350। तो यहां पर ये दोनों का डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे, 0-0 और ये हो जाएगा 10-9 का रेशियो दोनों का डिस्टेंस का होगा एक फिक्स टाइम में। जब ये 10 चला होगा तो कितना चला होगा? 9 चला होगा। वही फिक्स टाइम में मतलब उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 से हरा दिया, 75 मीटर से। बकुल ने चार्ल्स को 75 मतलब यदि 15 से ये चला होगा उस टाइम पे तो ये कितना चला होगा? 75 कम यानी कि 1425 चला होगा। 15 से ये 100 बार में कट जाएगा, ये 1595, 5 से 20 519। अब यहां पर दोनों कॉमन है, बी और बी मतलब बकुल दोनों जगह पर कॉमन है, सेम कर लेंगे। इस जगह पर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस जगह पर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना समय में अनिल 200 चला होगा उतना ही समय में बकुल 180 चला होगा और उतना ही समय में चार्ल्स जो है 171 चला होगा। तो पूछा गया बताइए अनिल चार्ल्स को कितना दूरी से हरा दिया। तो देखिए आप कितना दूरी से हराया, तो आप बोलेंगे 29 दूरी से हराया। अच्छा बताइए ये 200 का वैल्यू कितना होना चाहिए? अनिल पूरा पूरी 1500 चल चुका था तो ये हो जाएगा 200 का वैल्यू 1500, 1 का वैल्यू हो जाएगा 15/2, 29 का वैल्यू निकालेंगे तो 29 × 15/2 हो जाएगा 2। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है आप लोग, 15 × 135 30 और 43 435 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 217.5 मीटर से हरा दिया, 217.5 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। समझ गए? सिंपली यहां पर तीनों का रेशो निकाल लिए कितना से हराए, यहां पर देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एलजेब्रा क्वेश्चन 11 है। आप पहले क्या करेंगे, दोनों जगह x से डिवाइड कर देना है आपको दोनों तरफ। ये हो जाएगा x -5 + 1/x = 0। तो यहां से मिल जाएगा x +1/x = 0 सॉरी 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5। अब यहां पर देखिए ये एक्स क्यूब का कोई काम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे पूरे में डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो इस जगह पर मिल जाएगा आपको x का पावर 3 प्लस ये मिलेगा आपको x, फिर ये मिलेगा 1/x और ये मिलेगा +1/x³। जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा और नीचे आपका 5 का 5 है। अच्छा बताइएगा जब x +1/x = 5 होगा तो x³ + 1/x³ क्या होगा? सिंपली k³ - 3k होता है, 125 में 15 गया कितना बचा? 110। इसका वैल्यू यहां पर रख देना है तो 110 और प्लस इसका वैल्यू रख देंगे 5/5, 115/5 कितना देगा? 23।
23 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फिर से एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यूब, देखिए 17 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बराबर 24। आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी, और माइनस ए बी क्या होगा बताइएगा, 17 इंटू 7 यानी 119। तो इस के का वैल्यू यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 17 इंटू 7 होना चाहिए, 119, तभी ये आपका वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 119। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 आते हैं। ठीक है, 13 नंबर सेम क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया, वहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू था, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया, सिंपली इसको क्या करेंगे, पहले इसको काट दीजिए 10 बार में, और ऊपर में हो जाएगा 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, और नीचे हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 10। अब इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी हो जाएगा आपका 17 माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी देखिए ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिखा है, प्लस ए बी यानी कि यहां पर हो जाएगा 17 इंटू 7 फिर से 119, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही आप आंसर टिक कर देते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर लिखा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य पी पर छूती है, ए बी दोनों वृत्तों को उभयनिष्ठ, ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, और ए और बी पर स्पर्श बिंदु है। सिंपली दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली पी पर टच कर रहा है, इसको मान लेते ये पी पॉइंट है, और ए बी जो है इसका कॉमन टेंजेंट है, मान लेते ये ए है, ये बी है, और ये पी का पी है, इसको मिला देना है आपको। अब यहां पर लिखा हुआ है कि पी ए बी मतलब ये एंगल ये 40 है, इसके साथ पूछा गया है कि ए पी बी इसका वैल्यू क्या होगा। आपको पता होना चाहिए जब भी इस तरह फिगर बनेगा दोनों एक दूसरे को टच करेगा, कॉमन टेंजेंट और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट यहां पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। यदि ये 90 होगा, ये 40 है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। एकदम डायरेक्ट थ्योरी, ये आपको याद होना चाहिए, यदि आप कंपटीशन तैयारी करें तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 50 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के केंद्र पर जीवा एबी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है और एक कॉर्ड जीवा है एबी जो कि सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये देखिए 60 डिग्री एंगल। अच्छा बताइए यदि ये दोनों रेडियस होगा तो बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यदि ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इस कंडीशन में यदि ये 10 दिया हुआ ये भी 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो AB का जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है 12, AB दिया हुआ है 12, AC दिया हुआ है 10 और BAC 60 दिया हुआ है, तो BC की लंबाई बताना है। तो जब भी दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा तो हमेशा अगला साइड मतलब तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग यहां पर कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं, और कोसाइन रूल से कैसे यूज करेंगे देखिएगा कोसाइन का फॉर्मूला। जैसे हमको यहां पर लिखना है कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू जो एंगल लेंगे उसके सामने वाले साइड को अभी छोड़ देंगे, मतलब बीसी को भी भूल जाइए, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम कीजिए, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस जो साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड 2ab, यानी कि 2 इंटू ये दोनों जो साइड अगल बगल में उसको 12 इंटू 10,
ये फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, ये आगे एग्जाम में आ सकता है और भी, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमको कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो हो जाएगा, इसको छोड़ देना है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2ab, इस तरह होता है, इसको आपको याद रखना है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये हो गया 144 और 100 244 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा ये 2 × 120, ये 2 से 2 कट गया तो 120 इधर हो गया ये, इधर हो जाएगा 244 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सिंपली इस जगह पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 124। 124 किसके स्क्वायर करीब है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 पॉइंट समथिंग ये होगा, और 11 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, ये आपका इसका आंसर होगा 11.13, क्योंकि ये 11 स्क्वायर के करीब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस बड़ा वाला दिया हुआ है 2π, बड़ा आर का वैल्यू 352, 2π छोटा आर का वैल्यू दिया हुआ है 198। जब ये दोनों को डिफरेंस लेंगे तो यहां से हमको इसका रेडियस के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 2π तो कॉमन आ जाएगा, तो बड़ा आर माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर इक्वल टू, इसको माइनस करिएगा 154 आएगा, 2 × 22/7 बड़ा आर माइनस छोटा आर इक्वल टू 154, ये 22 से कट जाएगा 7 बार में, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 49/2 और 49/2 यानी कि होता है 24.5, 24.5 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस है, आयताकार ठोस मतलब क्यूबॉइड, 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कितने गोले, गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब यहां पर स्फेयर बनाना है किससे, एक क्यूबॉइड से। तो नंबर निकालने के लिए हमेशा याद रखेगा 3D में बड़ा वॉल्यूम डिवाइड छोटा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम यानी कि 88 × 63 × 42, छोटा वॉल्यूम यानी कि जो चीज बनाना है, यहां पर क्या बनाना था, स्फेयर, छोटे छोटा स्फेयर, तो 4/3 π यानी कि 22/7 r³। देखिए डायमीटर दिया हुआ है इसका, डिवाइड टू करना होगा, तो 8.4 / 2 8.4 / 2 8.4 / 2। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है कमेंट में क्या इसका आंसर होगा, सभी लोगों का इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 में। 19 नंबर में लिखा हुआ है कॉस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30, इसका वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और sec 30 का वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा सिंपली 2। अब आप क्या करेंगे, इस जगह से नीचे से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/√2 तो जैसा तैसा रहेगा, ये हो जाएगा 2 और 1/√3 + 1 हो जाएगा, ये इसके आगे यहां पर सॉल्व करते देखिएगा, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3 + 1/√3, √3 चला जाएगा ऊपर, इस √3 कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ये √3 चला जाएगा ऊपर और √2 आ जाएगा नीचे, इसको बढ़िया से लिखेंगे तो हो जाएगा √3/2√2 और √3 + 1, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √2√3 - 1/√2√3 - 1। अब देखिए जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा 2, क्योंकि ये a + b × a - b ब्रेक होगा, तो a² - b² तो √3² 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये दोनों जब सॉल्व करेंगे तो ये भी देगा 2, तो √2 × √2 कितना होता है 2, तो नीचे 2 2 2 कितना होगा 8,
तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा और ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बचा आपके पास दो ऑप्शन। ऊपर माइनस होगा, ये तय हो गया। माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहां पर साइन माइनस है, तो आंसर आपका सी हो गया, तो फिक्स हो गया। या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री रूट थ्री थ्री देगा टू, यानी कि हो जाएगा थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स इंटू वन, तो रूट सिक्स, और नीचे कितना हो जाएगा आठ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू दिया हुआ है एक राइट एंगल, पी क्यू आर, इसके साथ पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 17 और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 15। आर पी क्यू ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, आपसे पूछा गया बताइएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा यानी कि इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जाएगा 8/17 प्लस कॉस अल्फा में बेस 15 हो गया और डिवाइड हो जाएगा 17, इसको ऐड कर लीजिएगा 23 और नीचे हो जाएगा 17, 23/17 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर है, फ्री का नंबर है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री में वेरिएबल टू कॉन्स्टेंट क्वेश्चन आएगा, कोशिश कीजिए कुछ वैल्यू रख के बना लेने का। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल टू कॉन्स्टेंट वाला ऑप्शन इसका कॉन्स्टेंट में आसानी से बन जाएगा। तो टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का 1, सेक 45 का रूट 2, कॉसेक 45 का रूट 2, तो 2-2 आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिखा हुआ है नीचे दी गई वृत्त चित्र मतलब पाई चार्ट को आपको बढ़िया से पढ़ना है, इसमें बेचे गए ट्रकों की संख्या आपको दिखाया गया है, और लिखा है ट्रक की कुल संख्या कितना था 4000, तो 8 कंपनी ने इसको बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या परसेंट में दिखाया गया और देना है आंसर आपको। ये देखिए पाई चार्ट, इसमें 8 कंपनी है, 8 कंपनी ने कितना कितना कार बेचा है उसको परसेंटेज में दिखाया गया, टोटल कार याद रखिएगा 4000। अब लिखा है बी सी एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, इन सभी कंपनी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना परसेंट कम है, तो आप बताएंगे पहले बी फिर सी है, फिर एफ है और फिर एच है, कितना कितना बेचा। बी ने जो है टोटल बेचा 27, इस जगह पर देखिएगा बी कितना बेचा 27, सी ने कितना बेचा 18, एफ ने कितना बेचा 7, एच ने कितना बेचा 14, तो टोटल आप जरा देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 66% बेच दिया, बचा कितना। यहां पर देखिएगा टोटल 100 में से ये चारों मिला के 66% बेच दिया, कितना परसेंट कम बेचा, तो आप बोलेंगे इससे जो है 34 कम बेच दिया, किससे 100 में से, इंटू कर देंगे 100, तो 34% कम बेचा है टोटल में से कौन, बी सी एफ और एच। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला पाई चार्ट की ओर, पाई चार्ट बोलते हैं सॉरी डीआई की ओर। फिर से एक आपको दिया हुआ ये पूरा ग्राफ, और इस ग्राफ में लिखा हुआ है कि दो कंजुकेटिव ईयर में 18-19 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री ये दर्शा रहा है। पहला वाला लाइन दिखाएगा 2018 को, दूसरा 2019 को। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ है कि दो वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, दो वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, पहला शाखा देखिए ये है ब्रांच वन ये है, तो एक तो 80 और दूसरा में कितना है 105, जोड़ देंगे तो 185 बिक्री किया फर्स्ट ब्रांच से, 185 पहला ब्रांच से। फिर लिखा है कि दो वर्षों में चौथी शाखा से कुल बिक्री, चौथा कौन सा ये वाला,
अब देखिएगा यहां पहला वर्ष में कितना था, 2018 में 85 और 19 में 95, ऐड कर लेंगे तो जाएगा 180 का अनुपात बताइए। तो पहला ब्रांच और चौथा ब्रांच में टोटल सेलिंग का रेशियो आपको पूछा गया है, काट देंगे ये 37 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, 5 से काट देंगे ठीक है। ये क्वेश्चन का याद रखिएगा, एसएससी ऑप्शन गलत दिया हुआ था, 7:9 दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 और 36। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, 3 दिन के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी थी। तो ये आपको ग्राफ बढ़िया से पढ़ना है और ये जो लिखा हुआ है जेड जो जितना बेचा 3 दिन में, इसके एवरेज बताइए। तो एवरेज निकालने के लिए पहले सबको जोड़ेंगे, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये 5, और डिवाइड कितना हो जाएगा जरा बताइए, 3, क्योंकि 3 दिन का है, डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा आपका 196 एवरेज हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक लास्ट आज के क्लास का क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चम्मचों की संख्या दर्शाती है। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका पूरा ग्राफ है, एक टेबुलर चार्ट है और इसमें 5 फैक्ट्री द्वारा चम्मच जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ उसका नंबर दिया हुआ है। लिखा है पी द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या, पी कितना निर्मित किया बताइएगा, 100। आर द्वारा निर्मित किए गए चम्मचों की संख्या से क्या अनुपात होगा, आर ने कितना किया, 150। इसका रेशियो सिंपली पूछा गया है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2:3 का रेशियो में प्रोड्यूस किया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा कर लिए हैं और आज का क्वेश्चन खत्म हुआ पूरा। अगले सेट के में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।